हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। ये हमारा क्लाइंबिंग रोज यानी लता गुलाब का पॉट है, जिसके पास कुछ कॉस्मोस प्लांट्स रखे हुए थे जो पहले हमने सीड से ग्रो किए थे और आपसे शेयर भी किया था। उसकी फ्लावरिंग के बाद जब उनमें सीड्स बने तो उन सीड्स को हमने सेव नहीं किया, उनको तोड़कर ऐसे ही पॉट्स में बिखेर दिया। क्योंकि उससे क्या होता है, जब सीजन आता है तो अपने आप ही सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं और आपको सीड्स ग्रो करने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप ही पौधे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो जब इनमें सीडलिंग्स तैयार हुई थी तब आपसे हमने शेयर किया था, जब ये छोटे छोटे प्लांट्स थे, लेकिन फिर इसको हम अलग नहीं कर पाए पॉट से और ये इसी में ही ग्रोथ करते चले गए। जिसका नुकसान ये हुआ कि अब ये फ्लावर्स तो हमें देंगे लेकिन इससे जो क्लाइंबिंग रोज है उस पर इफ़ेक्ट पड़ा है और इसमें सारी जो रूट्स हैं वो ज़्यादातर कॉस्मोस प्लांट्स की फैल चुकी हैं मिट्टी में, और जो रोज़ प्लांट है उसमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी हमें इनको हटाना होगा, तो फेंकेंगे तो हम इनको नहीं, निकाल के पौधों को फेंकना अच्छा नहीं लगता है, तो इसको हम शिफ्ट कर देंगे थर्मोपॉट्स में जो कि खाली रखे हुए हैं अभी हमारे पास फ़िलहाल। तो इनको बहुत आराम से रूट्स के साथ ही हम सॉइल में से बाहर निकाल लेंगे। बहुत से व्यूअर्स परेशान हो जाते हैं कि जैसे ही हम पौधे को बाहर निकालते हैं और मिट्टी में लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, पौधा मुरझाने लगता है और मर जाता है। ख़ास तौर पर जब बड़े प्लांट्स यानी कि ये सीडलिंग्स नहीं रहती हैं, जब ये अच्छे प्लांट्स बन जाते हैं तब इनको ट्रांसप्लांट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये मुरझाने लगते हैं, इनकी पत्तियाँ मुरझाती हैं और ये फिर मरने लगते हैं। लेकिन कभी भी अगर ऐसा हो, मान लीजिए आप बड़ा कॉस्मोस का प्लांट्स कहीं से मिट्टी में से लेकर आए हैं और फिर आप आकर उसको पॉट में ग्रो करते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो अगर वो मुरझाने लगता है, सबसे पहली बात तो जब आप उसको पॉट में लगाएं उसके बाद 2-4 दिन उसको धूप में नहीं रखना है, और अगर वो मुरझाने लगे तो उसकी पत्तियाँ कम कर दें पौधे पर से और उसको लेकर परेशान नहीं होना है। कुछ ही दिन में न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, नई पत्तियाँ आ जाएंगी, तो उस बात का आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो प्लांट है वो बिल्कुल नहीं मरेगा। तो ये सारे बड़े प्लांट्स हैं जिसको हम नए पॉट में शिफ्ट करने वाले हैं, जिससे हमारा जो क्लाइंबिंग रोज़ है वो अच्छी ग्रोथ कर ले, क्योंकि रेनी सीजन है। अगर ये इस समय बिल्कुल बेकार हो गया तो इसको बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसका ग्रोइंग पीरियड नहीं है, ग्रोइंग टाइम नहीं है। गुलाब के बारे में काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि क्या रेनी सीजन में गुलाब के पौधे हम नर्सरी से ले सकते हैं, तो नर्सरी से गुलाब के पौधे आप रेनी सीजन में बिल्कुल ना लें, थोड़ा सा वेट करें और सेप्टेम्बर अक्टूबर से आप नर्सरी से गुलाब के पौधे लेकर आ सकते हैं, क्योंकि अभी ग्रोथ नहीं होगी, पत्तियाँ झड़ जाएंगी गुलाब के पौधों में, फिर आप परेशान होंगे, या फिर अगर आप उसको रिपॉट करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, तभी भी उसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी, फिर आप परेशान होंगे और वो पौधा मर भी सकता है। तो अभी गुलाब के पौधे को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, ये गुलाब के पौधे का समय नहीं है। तो इन जो पॉट में सारी जो जगह घेरी हुई थी वो कॉस्मोस प्लांट्स की रूट्स ने घेर ली थी, जिससे हमारा जो मेन प्लांट है वो बेकार हो रहा था, तो अभी इसको बचाना ज़रूरी है। तो फिलहाल अभी हम इसमें नई मिट्टी भर देंगे दोबारा से, क्योंकि मिट्टी खाली हो चुकी है और रूट्स इसकी फैलने लगेंगी, तो फिर इसको जगह भी मिलनी चाहिए। तो अब हमारा एक पॉट में एक गुलाब का पौधा ही रह गया है, और ऐसा ही करना चाहिए। कभी भी गुलाब के पौधे के साथ कोई दूसरा प्लांट कभी ग्रो ना करें, हमने पहले भी आपसे शेयर किया है। हमारा इनको छोटे सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट करना रह गया था, इसीलिए ये इतने बड़े होते चले गए और हमने इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था, सोचा था आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन इस बात में ये पौधे बड़े होते चले गए और ये हमारे प्लांट को ख़त्म कर सकते थे। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर रोज़ प्लांट में कोई दूसरा प्लांट आपने ग्रो किया हुआ है पॉट में साथ में, तो उसको बिल्कुल हटा दीजिए। गुलाब के गमले में केवल एक गुलाब का पौधा ही होना चाहिए, और आजकल बारिश होगी तो बारिश से पौधों को बचाइए। अगर वेल ड्रेन्ड सॉइल नहीं है, ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहां हल्की फुल्की बारिश मिल जाए प्लांट को, गुलाब के पौधे को, तो आपके गुलाब के पौधे बरसात में भी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएंगे। क्योंकि बारिश का ही ऐसा मौसम होता है जिसमें सबसे ज़्यादा गुलाब के पौधे बेकार होते हैं, क्योंकि गुलाब के मरने का कारण एक तो ओवर मॉइस्चर होता है सॉइल में यानी ज़्यादा नमी, दूसरा फंगस, जो कि हम कई बार आपसे शेयर कर चुके हैं। इसीलिए गुलाब के पौधे को बचाने के लिए आपको उसको बारिश से भी बचा कर रखना होगा थोड़ा, अगर मिट्टी अच्छी नहीं है, वेल ड्रेन्ड सॉइल नहीं है। तो ये हमारे पौधे तैयार हैं, अगर ये मुरझाएं तो टिप छोड़कर यानी ये ऊपर वाला पोर्शन छोड़कर इसकी सारी पत्तियों को आपको कट कर देना है अगर मुरझाता है तो, और वीडियो नंबर 697 भी आप चेक कर सकते हैं, तो उसमें रिजल्ट के साथ हमने आपसे ये बात शेयर की है, तो वीडियो ज़रूर चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। कॉस्मोस के प्लांट्स अभी हमने थर्मोपॉट में शिफ्ट कर दिए हैं, इसी में ही अच्छे ग्रोथ कर लेंगे, किसी में एक पौधा है किसी में दो पौधे हैं, और जो क्लाइंबिंग रोज है अब ये भी अच्छी ग्रोथ कर पाएगा, वैसे भी इसका ग्रोथ टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी इसको कोई नुकसान नहीं होगा और ये सिंगल पॉट में रह गया है तो अब ये ठीक रहेगा। और गुलाब की ग्रोथ को लेकर परेशान ना हो, इन दिनों पत्तियां भी झड़ेंगी, सितंबर अक्टूबर से न्यू ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। कोई क्वेरी हो तो पूछिए। थैंक यू।